गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। सो मैं एक बार फिर आप लोगों से बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक गाइस। मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे अगेन आ चुकी हूं। मुझे मम्स हुए थे गाइस, एंड बस मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मुझे बस ये था कि मैं अपने व्लॉग नहीं अपलोड किया काफ़ी देर से, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक। बहुत सारे चैलेंजेस वीडियोज और बहुत सारी वीडियोज बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, एंड ये बहुत पेनफुल टाइम गुजरा है मेरे लिए। जस्ट बस अब मैं सोचती रही हूँ इस बात को, एंड आई एम बैक गाइस न्यू ब्यूटीफुल व्लॉग। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, जल्दी से 1K करें, 2K करें, 3K करें जल्दी से। सो देखते हैं आगे क्या होता है मेरे साथ रहेगा। होपफुली आप लोगों ने मेरे व्लॉग को मिस किया होगा, मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैं इतने दिन से गायब थी। तो होपफुली एंड सब्सक्राइब कर दें गाइस, जल्दी से कर दें गाइस, जल्दी 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 जल्दी। अहमद जो है वो खेलने गया हुआ है, एंड सुबह से मुझे मिला ही नहीं। सुबह से सबसे पहले हम क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इधर दिखाओ, इधर करो, ये आप देख सकते हैं चपली कबाब का मसाला तैयार हो रहा है। ये इसमें मसाले डाले जा रहे हैं और बड़े यमी लग रहे हैं, लगता है बड़ा यमी बनेगा। देखें अभी तैयार होने वाले होंगे, ये देखें।
सो जैसे कि आपको अहमद मुसा ने बताया कि आज हमारे पास चपली कबाब बन रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और ईद के बाद तो वैसे भी चपली कबाब बनते होते हैं, हर घर में ही बनते होंगे और हमारे पास बनते होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चपली कबाब बन रहे हैं। ये हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं, इतने यम्मी लग रहे हैं, इतने यम्मी लग रहे हैं। और चपली कबाब के साथ हमने ये खाना भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये हमारा जो है, ये रात का जो है डिनर है हमारा, खाना हमारा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रात का खाना भी हमने ऑर्डर कर दिया था। एंड ये आज हमारा डिनर है रात का, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो कल अब रात का टाइम हो रहा है और हम लोग अपनी समर असाइनमेंट करने लगे हैं, जो समर वेकेशन का वर्क है वो करने लगे हैं, बिकॉज काफ़ी देर से नहीं किया। तो दैट्स व्हाई, और यहाँ पे ना कुरान मजीद की आयत लिखनी थी मुझे, एक सूरत लिखनी थी, सूरत फील, तो वही लिख ली थी मैं, तो लिख के आपको दिखाऊँगी सूरत। अभी 1K तो करें पहले। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।